सिंहस्थ की जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन एक एक इंच जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है। कलेक्टर ने कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो सिंहस्थ कहां करेंगे, साथ ही जिम्मेदार निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सिंहस्थ कुंभ मेले की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। कुंभ मेले की जमीन पर 2016 या इसके बाद काटी गई अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जल्द ही इन पर कार्रवाई का मन बना लिया है। कुंभ क्षेत्र में पक्के निर्माण पर प्रतिबंध लगा है, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में भूमाफियाओं ने कॉलोनी काट कर पक्के मकान का निर्माण कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 2016 कुंभ में अखाड़ों के लिए जमीन कम पड़ गई थी, इसके बाद गोसा सहित अन्य क्षेत्रों में नई जगह पर संतों को जमीन देनी पड़ी थी। कई लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन की जांच पता चला कि करीब 5 बड़ी कॉलोनी के 250 घर का निर्माण कुंभ मेला क्षेत्र में हो चुका है। अब प्रशासन इन सभी कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुका है। सिंह ने यह भी बताया कि अगर इसी तरह लगातार अतिक्रमण होता रहा तो 2028 में होने वाले कुंभ में अखाड़ों के लिए जमीन नहीं मिलेगी, इसके लिए अब जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले कॉलोनी काटने और प्लाट बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। कोशिश की जाएगी कि जिन नगर निगम अधिकारियों की पोस्टिंग के दौरान यह निर्माण किए गए हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। ही जमीन की बहुत कमी पड़ गई थी, नए एरिया हमको अधिसूचित करने पड़े थे जब मेला शुरू होने वाला था 2-2.5 महीने पहले, ठीक उसी समय। और 2028 के सिंगर्स के लिए अगर हम लोग सोचे कि नए हम लोग क्षेत्र अधिसूचित कर पाएंगे तो उसमें भी बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। इसीलिए एकमात्र विकल्प यही है कि 2016 में जो जमीन हमारी अधिग्रहित हुई थी सिंगस्थ के लिए उसको हम लोग सहेज कर रखें, एक एक इंच हम लोग उसको बचाएं। इस संबंध में हमारा स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि जो 2016 के बाद के पक्के निर्माण हैं हम लोग केवल और केवल उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अगर 2016 के पहले के कोई निर्माण हैं तो हम लोग उनको बिल्कुल नहीं छू रहे हैं, नंबर वन। नंबर दो, 2016 के बाद के लगभग 250 के आसपास ही मकान हैं, इससे ज़्यादा मकान नहीं है जो हम लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें से भी 3-4 कॉलोनाइजर्स की हम लोगों ने पहचान करी है और हम उनके ऊपर पूरी तरीके से ये दबाव बना रहे हैं कि जो भी उन्होंने अपने सौदे किए हैं, जिनको ज़मीनें बेची हैं, उनके द्वारा बातचीत करके जिस तरीके से भी वो मकान वहाँ से हट सकते हों उस तरीके से उनके द्वारा बातचीत करके मकान हटवाए जाएं। एक दो कॉलोनाइजर जो हैं इस तरीके से सहमत भी हुए हैं, एक दो मकान आजकल में हटना भी चालू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो हमारा उद्देश्य है कि जिनके मकान अभी वहाँ पर बने हुए हैं उनको कम से कम परेशानी आते हुए कॉलोनाइजर्स के ऊपर कार्रवाई करते हुए हम लोग पूरे के पूरे इस मुहिम को अंदाज दें। एक बात ये भी आ रही है कि नगर निगम के अधिकारी भी जो हैं इसमें संलिप्त हैं और उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। कमिश्नर नगर निगम को मेरे द्वारा एक पत्र भी इस संबंध में लिखा गया है और जो भी खासतौर पर कोई एक या दो ऐसी जोन है जहाँ पर इस प्रकार के निर्माण ज़्यादा हुए हैं, हमारे पास गूगल मैप मौजूद है, किस समय वहाँ पर निर्माण हुए हैं, उस समय कौन वहाँ पर पदस्थ अधिकारी, उसकी जांच भी हो सकती है। उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2016 के लिए एक एक ज़मीन को हमारे द्वारा बचाया जाएगा। और कुछ ये भी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ कॉलोनाइजर्स के द्वारा खुद ही वहाँ पर बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं, उनको किराए पर भी उठाया गया है और वहाँ पर कोई जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा प्रचारित किया गया कि कई गरीब लोग रहते हैं कुछ जगहों पर, निश्चित रूप से इस प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जो हमारी सूचना है जो कॉलोनाइजर्स के द्वारा ही अपने लोग बसाए गए हैं उनसे किराया भी वसूल किया जा रहा है, हम लोग उनके खिलाफ और 2016 में जितनी भी ज़मीन हमारी अतिक्रमित हुई है पक्के निर्माण के द्वारा उसको सपोर्ट। 2016 में संपन्न हुए कुंभ मेले में मंगलनाथ रोड की 80 फीट चौड़ा रोड बनाया गया था ताकि मेले में आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन भूमाफियाओं ने 80 फीट के रोड को भी नहीं छोड़ा और सड़क के पास ही कॉलोनी काट दी। बता दें कि मंगलनाथ रोड पर बड़ी संख्या में वैष्णव अखाड़े के संत अपना अपना पंडाल लगाते हैं। सिटी चैनल के लिए पुष्कर दुबे की विशेष रिपोर्ट।